Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Kirti and thank you so much for tuning in. So, आज हम लोग जा रहे हैं दुबई में कुछ ज्वेलरी शॉपिंग करने, तो मैं चलिए आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलती हूँ. सो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है डाउनटाउन दुबई और ये रात को बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, काफ़ी लाइट्स होती हैं और ये है शरद पूर्णिमा के दो दिन बाद का चांद जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था. उस दिन थोड़ा येलोविश था और काफ़ी पास भी था बट कैमरा तो जस्टिस नहीं कर पा रहा, ये इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था. तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं करामा सेंटर जहां मैं आपको लेके जाने वाली हूं और वहां की शॉप्स और शोरूम्स आपको दिखाऊंगी. ये जो आप रेक्टेंगुलर देख रहे हैं ये है दुबई फ्रेम और ये बहुत ह्यूज है, इसके अंदर बहुत सुंदर लाइटिंग भी होती है. कभी और दोबारा आऊँगी तब आपको लेके ज़रूर जाऊँगी. तो आ गए हैं हम लोग करामा सेंटर के अंदर और देखिए यहाँ की ज्वेलरी, ये है कणों का रेंज. कुछ ज्वेलरी पीसेस थे जो मैंने पहन के भी देखे, चेन मैं सोच रही थी पहले लेने की बट देन आइडिया हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया. और भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पे, तो हम लोग बस अभी ट्राई कर रहे हैं कड़े. जो इनका कलेक्शन था वो बहुत वाइड था और सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था. मुझे ये वाला ब्रेसलेट बहुत सुंदर लगा और इसमें ये वाले सारे ऑप्शंस भी थे. जब हम यहाँ पहली बार आए थे यूएई में तब जो ये चेन्स हैं तो ये तो कम है. जब हम लोग अबू धाबी में जाके शॉपिंग करी थी हम लोगों ने तो ये चेन्स इस तरीके से लटकी हुई थी वहाँ पे, जैसे इंडिया में किसी फ्रूट शॉप पे केले और फ्रूट सजे हुए होते हैं, उस तरीके से यहाँ पे गोल्ड की चीज़ें सजी हुई थी. चेन्स, इतनी सारी चेन्स लटकी हुई थी कि पूछिए मत. जितनी देर हम लोग वहाँ पे उनका कलेक्शन चेकआउट कर रहे थे बच्चों ने भी दोस्ती कर ली थी दूसरे बच्चों के साथ में और उन लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया और बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया. इनका चोकर कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था. देखिए ये जो चोकर है बीच में, इस पे मेरा दिल आ गया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा देख के. ये जो है इनका डायमंड इयररिंग्स कलेक्शन है और बहुत सुंदर और क्यूट डिज़ाइंस भी थे यहाँ पे.
एंड एज आई टोल्ड यू ह्यूज कलेक्शन और हर तरीके की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है. दीज आर द अदर शॉप्स जिनके बाहर से हम निकले क्योंकि हमने हमारा परचेज ऑलरेडी कर लिया था. बच्चों ने भी अपने लिए कैंडीज ली. लॉलीपॉप्स डिस्पेंसिंग मशीन थी यहाँ पे, तो बच्चों ने अपने लिए लॉलीपॉप्स ली. और फिर हम लोग जा रहे हैं यहाँ से बर्जमान मॉल. काव्या के लिए हम लोगों को बेलीज लेनी थी, सो चलिए बर्जमान मॉल के भी दर्शन कराते हैं आपको. दुबई का ये जो एरिया है करामा, यहाँ पे काफ़ी इंडियंस रहते हैं पर दुबई और करामा साइड में. तो कई लोग ऐसे थे जिन्होंने दिवाली की जो लाइटिंग है वो अभी से लगा ली है. नीचे तो शॉप है बट ऊपर जिनका घर है उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइटिंग लगा रखी थी. ये एक नया डे टू डे स्टोर खुला है यहाँ पे, तो उसकी बिल्डिंग को उन्होंने लिट अप कर रखा है. और चलिए बर्जमान मॉल लेके चलते हैं. दुबई में भी दिवाली को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, सो शोरूम्स ने अपने अपने डिस्प्ले कर रखे थे यहाँ पे. बीच में हम लोग रुके इस क्लासी सी बैग्स और वॉलेट्स की शॉप में, जिसका कलेक्शन काफ़ी बड़ा था और हर तरीके की चीज़ एक्सेसरीज यहाँ पे थी. तो ये शॉप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. आई विल कम बैक हियर वेरी सून. इनका जो हैंड बैग कलेक्शन था वो बहुत प्यारा था. दे वर ऑल वेरी क्लासी. तो यहाँ पे काव्या ट्राई कर रही है कुछ बेलीज और उसके कंफर्ट लेवल के हिसाब से नहीं थे, तो अच्छे तो उसको लगे बट चलने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल उसको नहीं लग रहे थे. ये जो हमारे छोटे माथुर साहब हैं, जो इनकी दीदी करती है इनको भी वही करना होता है. और जैसे काव्या यहाँ पे अपनी बेलीज ट्राई कर रही है तो इसने भी अपने शूज़ उतार लिए कि अब मेरा नंबर है, अब मैं ट्राई करूँगा. सो हो गई है हमारी शॉपिंग और यहाँ पे मुझे मेरा फेवरेट स्टोर हेमा एम्स्टरडैम दिखा. बट अभी हम लोग वहाँ नहीं जा रहे क्योंकि लास्ट वीक ही गए थे. सो कुछ नहीं चाहिए था यहाँ से और फालतू टाइम पास नहीं करना था. सो अब हम लोग आ गए हैं बर्जमान मॉल के फूड कोर्ट में, जहाँ पे हम लोग बस अब अपना खाना ऑर्डर करेंगे. तो चलिए आ गया है हैप्पी मील और नगेट्स. हम लोग इंजॉय करते हैं अपना डिनर और आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. तो चलिए आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एज आई ऑलवेज से जय राम जी की.